नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है मौन योद्धा। इसके रचयिता हैं दिलीप शर्मा। अरे, होते हैं मौन योद्धा भी। तुम्हें हंसी आ रही है? मैंने लिखते हुए धर्म पत्नी को कहा। अच्छा, तो ये कहाँ पाए जाते हैं और कौन सा युद्ध करते हैं, जरा इस पर भी टॉर्च डालोगे? चलो शुरू से शुरू करता हूँ और तुम्हें इस प्रजाति के बारे में सब विवरण बताता हूँ। तुमने घरों में कुछ औरतों को देखा होगा जो चुपचाप काम में लगी रहती हैं, बिना यह आशा करे कि कोई उनकी तारीफ करे या उनके बदले में कोई इनाम मिले। एक भारतीय माँ से अच्छा उदाहरण मुझे नहीं दिखता। इस तरह ऑफिस या दुकान में कुछ लोग बिना दिखावे के सिर्फ काम पर ही ध्यान देते हैं। यह उम्र में हमसे छोटे होते हैं पर सोच में हमेशा हमसे बड़े होते हैं। यह लोग कर्म ही पूजा है मंत्र को आत्मसात कर काम में रत रहते हैं। इन लोगों के कारण ही उत्पादकता अपने उच्च शिखर पर पहुंचती है, पर अफसोस, इनके काम को वो इनाम और प्रशंसा नहीं मिलती जिनके ये असली हकदार हैं। और हाँ, युद्ध तो इनका हर दिन हर पल चलता ही रहता है। क्या अब भी तुम इन्हें मौन योद्धा की उपाधि से नहीं नवाजोगी? हाँ बिल्कुल। और दोनों मौन मुस्कुराहट के साथ मौन योद्धा को नमन करते हैं।